विजेंद्र ब्लॉग नन्ही ब्लॉग में हम आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए आज हम जो कि मुरई का बनाएंगे भुजिया, जो खाने बहुत मस्त लगता है। तो इस तरह से पहले इसका जो सब पोछला है इसको हम निकाल लेते हैं, इसको निकाल लिए और इसको हमें काटना है जो कि छोटा छोटा करके गोला गोला काटेंगे। तो हम देखिए ये लिए हैं रेतने वाला, तो इस तरह से ऐसे ऐसे करके रेतेंगे हम, इसको काट डालेंगे। देखिए इतना गोला गोला हुआ है इस तरह से, देखिए इस तरह से हमने सब मुरई को रेत डालेंगे। देखिए इतना हमने रेत दिए है, फिर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो देखिए गाइस ये सब हमारा हो गया, जो देखिए और इसमें बचा है तो इसको हम छोड़ा लेंगे इस तरह से। अब हम चलते हैं कढ़ाई के पास में, देखिए इस तरह से हमारा हो गया। गाइस हमने कढ़ैया रख दिया है और तेल उसमें डाले हैं, जो तेल मेरा गर्म हो गया है। तो इसमें मर्चा डालेंगे, देखिए हरा मर्चा लिए है और इसमें हम साथ जो प्याज काटे हैं तो इसमें इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको ऐड करने के बाद में हम इस तरह से उसको हम चला देते हैं, फ्राई कर देते हैं अच्छे से, उस टाइम तक उसको भून देते हैं हम। ये देखिए गाइस जो कि हमारा मुरई का भुजिया बनाना है हमें, तो अधिक चीज नहीं डालना है इसमें हमें। तो देखिए बस प्याज है मर्चा है, तो हमारा कुछ कलर बदल गया है। तो इसमें हम जो मुरई काट के रखे हैं, देखिए मुरई है इसको काट के हमने रखे हैं, इसको भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। जितना था हमारे पास सबको इसमें ऐड कर दिए और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, तेल में फ्राई कर देंगे इसको भी। देखिए गाइस हमें अधिक कोई मसाला हमें नहीं डालना इसमें, तो थोड़ा सा कलर बदलने के लिए इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, जो कलर बदल जाएगा इसके लिए इस तरह से हल्का डाले। और सब स्वाद अनुसार फिर जो कि हमने नमक डाल देते हैं इसमें, जितना हमें स्वाद लगे अच्छा। तो अब इसको भी हम फिर से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। हमें भुजिया बनाना है बस, कोई मसालेदार नहीं सब्जी नहीं बनाना है हमें। तो हमें रोटी से खाने बहुत मस्त लगता है दोस्तों। कोई हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले और घंटे के निशान दबा दे। हम इसको अभी 2 मिनट तक पकाएंगे इसको अच्छे तरीके से। देखिए गाइस हमारा जिसमें नमक डाले तो देखिए पानी छोड़ने लगा है, जो मुरई है देखिए पानी छोड़ रहा है ना। इसको हम कुछ टाइम तक इसको ढक कर रख देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं इसमें 1 से 2 मिनट तक, ऐसे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए गाइस जो ढक्कन हमने लगाए थे तो ढक्कन को हटा देते हैं, ढक्कन को हटा दिया हम। देखिए कैसा हो गया है हमारा मुरई का भुजिया जो कि तैयार होने वाला है एकदम। देखिए कितना मस्त लग रहा है, क्योंकि रोटी से खाने में बहुत मस्त लगता है, मजा आता है खाने में। देखिए कितना सही है, कुछ टाइम तक और रहने देते हैं इसको हम। देखिए गाइस ये हमारा मुरई का भुजिया तैयार हो गया है। तब इसको हम थाली में निकाल लेते हैं इस तरह से, देखिए कितना मस्त लग रहा है दिखने में। देखिए निकाल लिए। देखिए गाइस जो कि हमारा मुरई का भुजिया तैयार हो गया है, देखिए देखने में कितना सुंदर मस्त लग रहा है, खाने में स्वादिष्ट है। तो अपने ब्लॉग का हम इसी पे समाप्त भी करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे हम। तब तक मेरा प्यार भरा आप लोग को, जय हिंद।